स्टार्ट। हेलो बच्चों, आज से हम लोग अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स के पहले चैप्टर को, क्लास 12 के पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने हो जा रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो चैप्टर है वो अपने आप में कई चैप्टर कंसिस्ट करता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमें पढ़ना है पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा चैप्टर पढ़ना है करंट, ठीक है, तीसरा चैप्टर हमें पढ़ना है मैग्नेटिज्म, चौथा चैप्टर हमें पढ़ना है ईएमआई, पांचवा चैप्टर हमें पढ़ना है एसी, और छठा चैप्टर हमें पढ़ना है ईएम वेव, ठीक है। कुल मिला के हमें तीन और तीन छह चैप्टर पढ़ने हैं, और ये छह चैप्टर का वेटेज आप समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक से दो क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से तीन से चार क्वेश्चन, ठीक है, और मैग्नेटिज्म की बात करें तो इससे भी मिनिमम दो क्वेश्चन हर साल आ रहा है। ईएमआई एसी को मिला के आप समझ लो दो क्वेश्चन, और ईएम वेव को आप एक क्वेश्चन का वेटेज दे सकते हो, यानी कुल मिला के दो चार छह दो आठ दो दस ग्यारह क्वेश्चन लगभग लगभग अपीयर होते हैं हर साल, ठीक है। अब चूंकि 25 क्वेश्चन का वेटेज हो गया है जेईई मेंस में फिजिक्स का, तो आप ये मान लो कि मोटी मोटा 7 से 8 क्वेश्चन आपको पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स से मिल सकते हैं पेपर में। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर का अपने आप में इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमें पढ़ना है पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा मैग्नेटिज्म, चौथा ईएमआई, पांचवा एसी और छठा ईएम वेव, और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब सारे चैप्टर्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ही बाइफर्केशन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स को बाइफर्केट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज क्या होता है। क्योंकि जो भी चीजें हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, इवन इस पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो भी बातें करेंगे वो किसको लेके करेंगे, चार्ज को लेके करेंगे। क्लास 11th की फिजिक्स में जो जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं उसमें चीजें दिखाई पड़ती हैं, यहाँ पर चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी। हम लोग चीजों की स्टडी करते हैं, ठीक है, ऐसे स्टेट में जो हम देख नहीं सकते। तो सर देख नहीं सकते तो पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने के लिए आपको चीजों को फील करना पड़ेगा, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। समझ में आई बात। इस चैप्टर की एक खास बात और है कि ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा मैकेनिक्स फ्लूइड डायनामिक्स रिवाइज करा देगा पूरा का पूरा। तो जहां जहां जरूरत होगी बीच बीच में मैं क्लास 11th की चीजें भी रिवाइज कराऊंगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला नाम जो आता है कि भाई चार्ज क्या है, ठीक है, व्हाट इज चार्ज। तो बच्चों चार्ज जो होता है ये किसी भी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। इन सिमिलर मैनर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस करता है। समझ में आई बात। तो यहां पर अगर हम लिखें तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। समझ में आएगा, यहां से आपको समझ में आया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की कोई चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड नाम की कोई चीज होती है। इसकी स्टडी हम लोग आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग खाली चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो भी इस चैप्टर में
ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका बाइफर्केशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी अपने आप पे एक बार चार्ज को रोक के स्टडी करते हैं, एक बार चार्ज को मूव करके स्टडी करते हैं, एक बार चार्ज को एक्सेलरेट करके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस या प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आई बात? तो आप चार्ज का डेफिनेशन लिख लो। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप इंटरटेनमेंट पर्पस से ना देखें, ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स लेके बैठे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, ऑनलाइन मोड में हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा इसका भाई ऑनलाइन क्लासेस का रिप्लेसमेंट, ठीक है, फिजिकल क्लासेस अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। फिजिकल क्लासेस में जितना पढ़ाया जाता है उतना ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए वीडियोस को मैं बहुत छोटा छोटा रखूंगा, कोशिश करूंगा कि वीडियोस बहुत ज्यादा बड़े ना हो, 20-25 मिनट के वीडियो होंगे। आप हर वीडियो को सबसे पहले क्या करेंगे, 20 मिनट देखेंगे, उसके बाद आप अपने आंखों को रिलैक्स करेंगे, पावर नैप देंगे, उसके बाद चीजों को रिवाइज करेंगे, फिर अगले वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए चार्ज के बारे में जान गए कि चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसका, मटेरियल का, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आइए अब बात करें, अब अगर बात करें भाई, ठीक है, चार्ज की बात करें तो चार्ज को तीन तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। एक बात करेंगे एट रेस्ट, ठीक है, अगर रेस्ट में चार्ज है तो वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पैदा करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। अगर चार्ज रेस्ट में है तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, और अगर हम बात करें चार्ज इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अगर चार्ज मूविंग है तो इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर चार्ज मूविंग होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, साथ में क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। समझ में आई बात? अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है, चार्ज इज एक्सेलरेटिंग हो जाए अगर, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा अगर चार्ज क्या हो, एक्सेलरेटिंग हो, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मुझे लग रहा है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको तेज लगे पढ़ाने का तरीका तो आप वीडियो को दो बार देख लें, और अगर धीमा लगे तो आप इसको इंटू टू करके देख लें, ठीक है। यूट्यूब पर ऑप्शन है, आप इंटू टू इंटू 0.5 करेंगे तो आपको स्पीड धीमी लगेगी, ठीक है, इंटू टू कर देंगे तो आप जो भी डिजायरेबल स्पीड चाहते हो आपको मिलने लगेगा। समझ में आई बात? तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़े, चार्ज एट रेस्ट जब पढ़ेंगे तो वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, अगर मूविंग चार्ज होगा लेकिन कांस्टेंट स्पीड से तो वो क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा ही सही, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज की बात करूं तो एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पैदा करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चार्ज एट रेस्ट का हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम होने जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लास 12 फिजिक्स की शुरुआत यहीं से होती है। इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑल्दो ये 40 से 50 लेक्चर लेगा, ठीक है, तो आपको बहुत पेशेंसली इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर चार्ज और स्टैटिक स्टैंड फॉर एट रेस्ट। समझ में आई बात? एक ग्रीक वर्ड होता है इलेक्ट्रिक। क्या होता है? इलेक्ट्रिक। इससे ही वर्ड लिया गया है इलेक्ट्रिक स्टैंड फॉर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब हम लोग बात करते हैं चार्ज एट रेस्ट की, तब हम लोग स्टडी करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ेंगे? चार्ज एट रेस्ट। और कौन सा चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए? सर चार्ज सारे चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए? नहीं, सोर्स चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और कोई चार्ज इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो आप कहोगे सर ये चार्ज तो घूम रहा है, और आप बात की चार्ज एट रेस्ट और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा रहे हो। तो यहां पर ये हो रहा है कि हम इफेक्ट जो देख रहे हैं इसका देख रहे हैं, ये सोर्स चार्ज हुआ और ये रेस्ट पर है। समझ में आई बात? ये रेस्ट पर है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। समझ में आई बात? तो यहां से हम ये पकड़े, ठीक है, कि सोर्स चार्ज क्या होना चाहिए? रेस्ट पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है सर, चार्ज एट रेस्ट में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए अब बात करते हैं भाई कि चार्ज जो होता है उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी। बिल्कुल होती है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी, ठीक है, और उसकी स्टडी के बाद हम लोग आगे की फिजिक्स समझ पाएंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आप हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट, ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, ठीक है, आप ये समझ लो आपका ये लाइव क्लास चल रहा है, आप क्लास में बैठे हुए हो, आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, तब इन वीडियोस का आपको क्या मिल पाएगा? बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टीज आप चार्ज की बात करें, ठीक है, तो चार्ज जो होता है, चार्जेस आर एडिटिव, ठीक है, यानी चार्ज को जोड़ा घटाया जा सकता है, ठीक है, चार्ज को क्या किया जा सकता है? जोड़ा घटाया जा सकता है, इसलिए मैंने बोला चार्जेस आर एडिटिव। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, ठीक है, चार्ज को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे मान लो, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है जिस पर चार्ज है, कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, इस कंडक्टर पे क्यू चार्ज है। एक दूसरा कंडक्टर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, क्या है ये? न्यूट्रल कंडक्टर है। अगर किसी कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दें, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो यहां से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज यहां ट्रांसफर हो जाएगा। बाद में पता चलेगा आपको कि ये चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों स्फीयर या दोनों कंडक्टर पे चार्ज क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए, ठीक है, यानी यहां से यहां चार्ज फ्लो कर जाएगा, यानी चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, तो यहां से यहां चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ में एक बात? चलो भाई, बहुत बढ़िया सर। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है चार्जेस आर कंजर्वेटिव फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर जेई ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2007 को, ठीक है, चार्जेस आर क्वांटाइज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है उस चार्ज उस सिस्टम को छोड़ के दूसरा चार्ज नहीं होना चाहिए उस सिस्टम में, ठीक है,
चार्जेस आर कंजर्वेटिव फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, ठीक है, एक ये कोई कंडक्टर है जिस पर चार्ज q है, ये दूसरा कंडक्टर है इस पर चार्ज q है, दोनों को टच कराया गया और फिर सेपरेट कर दिए। अगर टच कराया गया है तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, उस चार्ज के ट्रांसफर की वजह से इस पर मान लो कोई चार्ज q आ गया या q प्राइम आ गया, q1 प्राइम, और इस पर आ गया q2 प्राइम। मजे की बात ये है कि अगर आप इसको q1 इसको q2 कह लो तो q1 plus q2 is always equal to q1 प्राइम plus q2 प्राइम, ये हमेशा बराबर होगा। समझ में आई बात? यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर इस सिस्टम को आइसोलेटेड मान लें तो नेट चार्ज हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहें आप चीजों को, जो चीजें आपको अच्छी लगे उसे नोट करते रहें नोटबुक में, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर जेई ने क्वेश्चन क्या पूछा, ठीक है। इस पर जेई ने क्वेश्चन पूछा कि मान लो एक ऐसे कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडक्टर। सर ये न्यूट्रल क्यों है? भाई अगर इस न्यूट्रल बॉडी की बात करें तो न्यूट्रल बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। एक न्यूट्रल कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, इसके सामने एक चार्ज रखा हुआ था Q, ठीक है। कितना चार्ज रखा हुआ था? Q चार्ज रखा हुआ था। हमसे जेई ने क्वेश्चन पूछा, ये जेई 2007 का क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इस स्मॉल Q चार्ज की वजह से इस कंडक्टर पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेकंड नेगेटिव चार्ज आएगा, तीसरा कोई चार्ज नहीं आएगा, और चौथा कुछ भी कह नहीं सकते हैं कांड से, ठीक है। अब भाई आप सोचिए पहले, ठीक है, हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सही जवाब दिया था, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आइसोलेटेड लिखना मैं भूल गया, ठीक है, आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड लिख दिया क्या? आइसोलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब इस सिस्टम पर नेट चार्ज कितना था? जीरो था। तो इस चार्ज को रखने पर भी नेट चार्ज कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। और अगर नेट चार्ज जीरो है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आई बात? अच्छा, आप दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद थे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? प्लस वाला चार्ज जो है नेगेटिव वाले चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और जहां से इलेक्ट्रॉन लीव किए हैं वहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप देखो जितना इलेक्ट्रॉन इधर आया उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज यहां आया, तो टोटल चार्ज कितना है? जीरो है। टोटल चार्ज अभी भी जीरो है। समझ में आई बात? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्जेस आर कंजर्वेटिव फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्जेस क्या होते हैं? हमेशा कंजर्व रहते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया। इसका न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो एक न्यूक्लियर फिनोमेना होता है जिसका नाम सभी लोगों ने सुना होगा, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है सर? तो पेयर प्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस से जब, ठीक है, न्यूक्लियस से जब गामा फोटॉन टकराते हैं तो दो तरह के चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कोई गामा फोटॉन जाके टकराया, ठीक है, गामा रे जाके टकराया, इसकी कुछ एनर्जी होगी, एनर्जेटिक गामा रे जब इससे टकराएगा तो यहां पर पेयर में प्रोड्यूस होता है क्या? गया पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पॉजिट्रॉन पैदा होता है जिसको प्लस ही कहते हैं, ठीक है, प्लस ही कहते हैं। ये क्या है? पॉजिट्रॉन, ठीक है। और एक और पार्टिकल पैदा होता है माइनस ई, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है यहां पर? अगर इनिशियल चार्ज की बात करूं तो कितना है गुरुजी? जीरो है। और अगर फाइनल चार्ज की बात करूं
तो साहब फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी, यानी आज भी नेट चार्ज कितना है, जीरो है। आप देख सकते हो पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस में नेट चार्ज हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, समझ में एक बात सर, लेकिन पेयर प्रोडक्शन होता क्या है, तो पेयर प्रोडक्शन का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच, प्यारे बच्चों आप देख सकते हो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है, इसका भी कुछ मास होगा और इसका भी कुछ मास होगा, इसका मतलब इट इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास, एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है, और ये घटना, दिस फेनोमेनन इज नोन एज व्हाट, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, समझ में एक बार, नोट करें आप इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रोसेस ऐसे ही न्यूक्लियर होता है, ठीक है, एनपिलेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, एनहिलेशन। ठीक है, देखो एनहिलेशन में क्या होता है, दो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, यस गामा फोटॉन पैदा होते हैं। तो अगर यहां से देखें, अगर ये न्यूक्लियस है, अगर इससे, ठीक है, कौन कौन टकराया, प्लस पॉजिट्रॉन और कौन, इलेक्ट्रॉन, तो निकलेगा क्या निकलेगा, गामा रेज। तो यहां से निकलता है क्या, गामा रेज। समझ में आई बात, गामा रेज। अब ये एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, ये गामा रेज निकलते हैं। ठीक है, अगर आप देखो फिर से, अगर इनिशियल चार्ज की बात करें, ठीक है, तो इनिशियल चार्ज कितना हुआ, प्लस सी माइनस सी, तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। ऐसे यहां पर बात करें फाइनल चार्ज की, ठीक है, तो गामा पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं सर, फाइनल चार्ज कितना हुआ, जीरो हुआ। तो नेट चार्ज आप देख सकते हो आज भी क्या है, कंजर्व है, जितना इनिशियल चार्ज है उतना ही फाइनल चार्ज। समझ में आई बात, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सर आप ये भी बता दो आप कि एनहिलेशन क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी, सॉरी मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। समझ में आई बात, देखो यहां पर क्या हो रहा था, एनर्जी था, सॉरी मास था, किसमें कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। समझ में आई बात, तो इट इज द प्रोसेस इन विच मास कन्वर्टेड इनटू कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब मजेदार बात ये है कि अगर हम बात करें इन पेयर प्रोडक्शन, एनहिलेशन, मास एंड एनर्जी सेपरेटली नॉट कंजर्व। ठीक है, हमारे पेयर प्रोडक्शन और एनहिलेशन में जो मास होती है और एनर्जी होती है सेपरेटली कंजर्व नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में देखें तो कंजर्व होगा, ये हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कि इन पेयर प्रोडक्शन एंड एनहिलेशन मास एंड एनर्जी इज नॉट कंजर्व separately, but conserved in combination. ठीक है, combination में क्या होगा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, mass plus energy क्या होगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। समझ में आई बात, ठीक है, तो ये भी नोट करें, एनहिलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और पेयर एनहिलेशन, सॉरी पेयर प्रोडक्शन और एनहिलेशन में मास और एनर्जी सेपरेटली कंजर्व नहीं होते, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो क्या होंगे, कंजर्व। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी, आगे आइए। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है भाई, सुनना ध्यान से, चौथी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर चार। प्रॉपर्टी नंबर चार ये है
कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। इसका मतलब सर, क्वांटाइज का मतलब तो डिस्क्रीट वैल्यू होती है। इसका मतलब चार्ज क्या कई चीजों से मिलकर, कई टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, ठीक है। चार्जेस जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और मिलिकन ऑयल ड्रॉप मॉडल ने स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज जो निकाला वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था। किसने निकाला? मिलिकन ऑयल ड्रॉप मॉडल ये बताता है कि स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल चार्ज होगा वो क्या होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। उससे भी स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे क्वार्क होता है, ठीक है, म्यूऑन्स होता है, फर्मियॉन्स होता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहते, न्यूक्लियर प्रोसेस में पैदा होते हैं और तुरंत खत्म भी हो जाते हैं। स्टेबल थोड़ी हुआ, स्टेबिलिटी हमें क्या चाहिए? स्टेबल पार्टिकल चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या हुआ? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मीनिंग ये हुआ कि चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, हाँ भाई, किसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए? किसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए? जो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यस, मिनिमम स्टेबल एग्जिस्टिंग चार्ज, मिनिमम स्टेबल एग्जिस्टिंग चार्ज। अब सर बात आती है कि मिनिमम स्टेबल एग्जिस्टिंग चार्ज क्या है। तो अभी तो बताया कि मिलिकन साहब ने बोला था कि जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होगा वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। तो अकॉर्डिंग टू मिलिकन ऑयल ड्रॉप मॉडल, अभी अपन लास्ट में इसको भी पढ़ेंगे, व्हाट इज मिलिकन ऑयल ड्रॉप मॉडल, ठीक है। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मॉडल से, अकॉर्डिंग टू मिलिकन ऑयल ड्रॉप मॉडल, मिनिमम स्टेबल एग्जिस्टिंग चार्जेस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और हमारे सिलेबस में भी जो सबसे छोटा चार्ज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं, कि चार्ज शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये एन जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। तो वेयर एन इज व्हाट? इंटीजर। समझ में एक बार, ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, ये जो एन है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि भाई 100 इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप बोलोगे यस सर। क्यों बोलोगे? क्योंकि 100 इंटीजर है। अगर मैं बोलूं 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मैं कहूं e by 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? तो आप बिल्कुल मना कर दोगे। क्यों मना कर दोगे? क्योंकि 1/10 इज नॉट इंटीजर। समझ गए? तो 1/10 इंटीजर नहीं होता है, इसलिए ऐसा चार्ज अपने कोर्स में पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो अब आप यहां से ये भी समझ सकते हो कि इससे भी छोटे छोटे चार्जेस हैं। कौन से चार्जेस हैं सर? एक तो है प्लस माइनस 2e/3, दिस इज कॉल्ड क्वार्क, ठीक है। ये जो क्वांटिटीज हैं ये स्पिन पे डिपेंड करती हैं और लेस स्टेबल होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस में पैदा होते हैं और तुरंत खत्म हो जाते हैं, इसलिए अपन इसकी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एक और होता है प्लस माइनस e/3, ठीक है, इनको अपन प्यार से बोलते हैं क्वार्क। बहुत डिटेल में हमको स्टडी नहीं करनी है, हम लोग पीएचडी नहीं कर रहे, क्लास 12th लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और सिर्फ आईआईटी मेंस और नीट लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपका बोर्ड आराम से हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, आप इसको नोट करो फटाफट, ठीक है। अब मैं इसको रख कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर समझ रहे हैं तो एक चीज और समझ लेते हैं, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कैसे बनता है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो बनता है ना, हम लोग बात करें तो एक होता है अप क्वार्क, क्या होता है? अप क्वार्क। एक होता है डाउन क्वार्क, ठीक है,
एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे जो चार्ज लिया गया वो 2e/3 लिया गया, ठीक है, और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज लिया गया वो e/3 लिया गया। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई UUD की बात करें, ठीक है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क, तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटॉन बनाएंगे। देखो कैसे, 2e/3, ठीक है, प्लस 2e/3 और माइनस e/3, अगर इन तीनों को कॉम्बिनेशन में यूज करें तो ये आ जाएगा 3e/3, यानी e, यानी प्लस e आ गया। तो ये प्रोटॉन का हम लोग देख लिए। उसी तरीके से देखिए न्यूट्रॉन का देख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो बनता है वो बनता है 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क को मिला। कैसे बनता है, 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क को मिला के। डाउन क्वार्क क्या था, माइनस e/3 और 1 अप क्वार्क 2e/3, तो टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों, 0 हो गया। न्यूट्रॉन में टोटल चार्ज कितना होता है, 0, यानी न्यूट्रॉन के लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क मिलके क्या बना लेगा, न्यूट्रॉन बना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, वो इसी उसी का मैंने सलूशन दिया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए पॉसिबल सजेशंस क्या होंगे अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का। तो अप क्वार्क का जो पॉसिबल, सॉरी, प्रोटॉन के लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वो हमने देखा UUD होता है, और न्यूट्रॉन के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, DDU, यानी डाउन क्वार्क अप क्वार्क मिलके क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन। और 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क मिलके क्या बनाएगा, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, प्रोटॉन। समझ में आई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। प्यारे बच्चों ये कहता है कि चार्जेस आर इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, यानी चार्ज जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चार्जेस आर रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड पर डिपेंड नहीं करता स्पीड, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, बट चार्ज डेंसिटी और मास जो है वो स्पीड के साथ वेरी करता है। अगर वेलोसिटी बढ़ा दें या स्पीड बढ़ा दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ मास और चार्ज डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहां लिख सकते हैं बट चार्ज डेंसिटी एंड मास इंक्रीजेस विथ स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड। समझ में आएगा, ठीक है, फटाफट नोट करो, चार्जेस आर रिलेटिवली इनवेरिएंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, स्पीड, ठीक है, यानी चार्ज जो होता है फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। अगर अगली बात करें तो बट चार्जेस चार्ज डेंसिटी एंड मास इंक्रीजेस विद स्पीड, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। यहां से अगर आप कंक्लूड करना चाहते हो तो भैया m = m नॉट / अंडर रूट 1 - v² / c², अगर v को क्या करें, इंक्रीज करें, तो m ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 - v² / c² डिक्रीज कर जाएगा, और अगर ये डिक्रीज कर गया तो m / ये क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है तो टोटल जो मास होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आई बात, तो मास क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। चार्ज डेंसिटी भी ऐसे ही क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। कब इंक्रीज कर जाती है, जब स्पीड को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया सर, समझ गए। इसी तरीके से छोटा सा टर्म और डिफाइन होता है, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, अगला टर्म है स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। अब सर ये क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज,
ठीक है। तो जे जे थॉमसन साहब ने, आपको याद आ रहा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ रखे होंगे, ई बाई एम के रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक चार्ज का जो डेफिनेशन होगा वो होगा चार्ज टू मास रेशियो इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक चार्ज। इट इज रेशियो ऑफ क्यू टू एम, यानी क्यू बाई एम को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर किसी बॉडी को स्पीड दे दें तो उसका स्पेसिफिक चार्ज बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? क्वेश्चन और ध्यान से सुनिए, मैंने क्या पूछा, अगर किसी चार्ज को, सॉरी स्पेसिफिक चार्ज को स्पीड दे दें तो उसका मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक चार्ज को रिलेटिविस्टिक कर दें, स्पेसिफिक चार्ज को क्या करेंगे, रिलेटिविस्टिक करेंगे यानी मूव कर देंगे, तो उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, क्या होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज होगा, वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? इफ स्पेसिफिक चार्ज इज रिलेटिविस्टिक। समझ रहे हो आप रिलेटिविस्टिक का मतलब? रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है अगर मूव करने लग जाए, तो अगर स्पेसिफिक चार्ज इज रिलेटिविस्टिक तो m क्या हो जाएगा, m तो सर बढ़ जाएगा, और अगर m बढ़ गया तो q by m रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी स्पेसिफिक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कोई चार्ज अगर स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाए, रिलेटिविस्टिक हो जाए, तो उसका उसका स्पेसिफिक चार्ज हमेशा क्या होता है, घट जाता है। समझ में आई बात? तो ये थी छोटा सा डेफिनेशन था, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो 100% उसके पास क्या होगा, मास होगा। क्या होगा? उसके पास मास होगा। यानी इफ एनी बॉडी consist of charge, then it must have mass, but vice versa is not true. ठीक है, इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि न्यूट्रल बॉडी के पास तो मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता। समझ गए? अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो उसके ऊपर क्या होगा, जरूर मास होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी के पास मास है तो जरूर नहीं उस पर चार्ज होगा। जैसे अपन बात करें न्यूट्रल बॉडीज की, उसके पास चार्ज थोड़ी होता है लेकिन उसके पास मास होता है। ठीक है, चलो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो चार्ज का यूनिट वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड बाई चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप इसको किससे रिप्रेजेंट करो, क्यू से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट का साहब, तो यूनिट ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज की यूनिट सबसे पहले एसआई यूनिट देखते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम इसकी एसआई यूनिट होती है। चार्ज की यूनिट होती है क्या? कूलम। लेकिन कूलम जो होती है बहुत बड़ी यूनिट है। अभी मैं आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ बताऊंगा तब आपको पता चलेगा साला एक कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कूलम क्या है? बिग यूनिट है। तो सर क्या बिग यूनिट से काम नहीं चला पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। तो स्मॉलर यूनिट से काम चलाएंगे, तो हम एक मिली कूलम की बात करेंगे, हम एक माइक्रो कूलम की बात करेंगे, हम एक पीको कूलम की बात करेंगे। एक माइक्रो एक मिली कूलम होता है 10^-3 कूलम, एक माइक्रो कूलम में 10^-6 कूलम, एक पीको कूलम में 10^-12 कूलम और एक नैनो कूलम में 10^-9 कूलम होता है। ठीक है, ये तो था एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट की तरह इसका एक और यूनिट होगा सीजीएस यूनिट, और पैरेलल में जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसका सीजीएस यूनिट होता है क्या? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ठीक है, और ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। दो यूनिट होता है, एक होता है क्या?
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक होता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक कूलम में होता है 3×10⁹ ESU। जी हाँ, इसको याद रखना बहुत आसान है। कैसे? लाइट की स्पीड आपको बताया 3×10⁸। आप एक और बढ़ा लो, एक और बढ़ाते ही आपको पता लग जाएगा एक कूलम चार्ज किसके बराबर होता है 3×10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसको आप स्टैंड कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, अच्छा, और एक कूलम में 1/10 EMU इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक यूनिट, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, समझ गए? तो ये है आपको यूनिट के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि भाई चार्ज की है सही यूनिट क्या होती है, चार्ज की CGS यूनिट क्या होती है। क्योंकि जब हम लोग कूलम्स लॉ लिखेंगे तो कूलम्स लॉ भी किस किस फॉर्म में लिखेंगे, एक बार लिखेंगे SI यूनिट के फॉर्म में और एक बार लिखेंगे CGS यूनिट के फॉर्म में, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, समझ में आई बात? चलिए नोट करिए फटाफट इसको भी। उम्मीद है आप प्रॉपरली वीडियो को देख रहे होंगे और एक एक चीज आप नोट करें। ठीक है, आप ऐसा समझे कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपको एक एक चीज डिटेल में जैसे पढ़ाया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, सब कुछ डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चार्ज तो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, चार्जेस charge having two, पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो निगेटिव चार्ज। अब मेरी बात समझो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपको क्या दिखना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए लड़का। क्या दिखना चाहिए? लड़का। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये आपको दिखनी चाहिए लड़की। ठीक है, आपको मैं इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा कि कैसे आप, ठीक है, फोर्सेस को स्टडी जब करेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब लड़का लड़का में क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। यानी यहां से एक पॉइंट और लिख सकते हैं, लाइक चार्जेस, व्हाट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, और लड़का लड़की में क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां से सेकंड लिख सकते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सर व्हाट अबाउट न्यूट्रल, न्यूट्रल के बारे में क्या कहना, समझ जाओ नहीं समझे, समझ जाओ। न्यूट्रल बॉडी तो सबको अट्रैक्ट करता है ना भाई, न्यूटन का लॉ, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में ये बोला गया कि दो मासेस आपस में क्या करते हैं, यस अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, यस रिपेल करेगा। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर प्लस न्यूट्रल, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है साहब, अगर बात करें माइनस न्यूट्रल, तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर बात करें न्यूट्रल न्यूट्रल, तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब बात ये उठता है कि सर कैसे इंश्योर करें कि बॉडी में चार्ज है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल न्यूट्रल भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो कंफ्यूज हो गए कि बॉडी में चार्ज है कि नहीं। सर कैसे पता चलेगा कि बॉडी में चार्ज है कि नहीं, तो रिपल्शन श्योर चेकिंग है। आप देख सकते हो कि अगर बॉडी रिपेल करे तो उस पर चार्ज होना बहुत जरूरी है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, रिपल्शन इज श्योर चेकिंग। दैट बॉडी है चार्ज,
समझ गए, रिपल्शन श्योर चेकिंग है बॉडी में चार्ज है कि नहीं। ठीक है, अब मैं यहीं पर इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देखेंगे जो कि नीट आईआईटी में आ सकता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखें इसी के आगे का पार्ट। ठीक है, और कोशिश करें कि प्रॉपर नोट्स बनाएं, हर लेक्चर के बाद आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके आए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।